दोस्तों, दुनिया में इतने घातक सांप पाए जाते हैं कि जिस किसी को भी काट लेते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। सांस केल्ड बाइपर दुनिया का सबसे घातक सांपों में से एक है। यह हर साल 5.4 मिलियन लोगों को काटता है। यह अपनी शिकार को लार ग्रंथि में उत्पन्न जहरीले पदार्थ से मारता है। दोस्तों, यह केवल छोटे जानवरों को ही नहीं बल्कि इंसानों को भी खत्म कर सकता है। ब्लैक मामा अफ्रीका का सबसे घातक सांप है। इसके जहर की 2 बूंदें इंसान को मार सकती है। इसके मुंह के अंदर गहरे शाही रंग के लिए नामित काले मावा भूरे रंग के होते हैं। क्या आप जानते हैं इसकी औसत लंबाई 8 फीट होती है और 12 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। लंबे सांप प्रत्येक नकीले में जहर की 3 बूंदों के साथ पैदा होते हैं। जय शुरू से ही घातक काटने वाले होते हैं। दोस्तों, जय अपने नकीले हिस्से में 20 बूंदे जहर तक जमा कर सकते हैं। फेर्डिलेंस जय दक्षिण मध्य अमेरिका में रहते हैं। फेर्डिलेंस के काटने से काले धब्बे पड़ जाते हैं और वह मरने लगता है। इसका वजन 3.9, 8.2 लंबे और 13 पाउंड तक वजन के होते हैं। बूमर लेग अंगूठे पर काटने के लगभग 24 घंटे बाद आंखों, फेफड़ों, गुर्दों, हृदयों और दिमाग से रक्त बहने लगता है और मृत्यु हो जाती है। अन्य सांपों की तरह इस सांप में भी हीमोटॉक्सिक जहर होता है। अंडे के आकार का सिर, बड़ी आंखें और चमकीले हरे रंग वाले शरीर के साथ बूमरलैग काफ़ी आकर्षक होता है। इसके काटने से भयानक मौत होती है। किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है, जिसकी लंबाई 18 फीट होती है। किंग कोबरा अपने शरीर की लंबाई के लगभग 1/3 हिस्से को जमीन से ऊपर उठा सकता है। दोस्तों, इसकी प्रसिद्धि इसका जहर नहीं बल्कि प्रत्येक काटने से लगभग 7 मिलीलीटर जहर निकलता है। जय तेजी से हमला करता है।